भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में धूमधाम से 47वां दीक्षांत समारोह मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और सम्मानित अतिथि के रूप में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद भी मौजूद रहे। राज्यपाल के पहुंचते ही सबसे पहले एनसीसी के बच्चों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई, फिर शहीद तिलका मांझी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया। दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल ने पीएचडी समेत 29 पीजी विभाग के टॉपर और सभी 6 संकायों के फैकल्टी टॉपर को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। 96 छात्रों को पीएचडी की उपाधि, 5 को बेस्ट ग्रेजुएट का अवार्ड और 11 छात्रों को बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट का अवार्ड मिला। साथ ही 14 छात्रों को स्मृति पदक भी मिला। मौके पर महामहिम ने सभी छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। एक ऑल ओवर जितना भी सब्जेक्ट है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में, ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में पहला स्थान आने पर संस्कृत विषय से मैं हूं मुकुंद कुमार, ऑल ओवर यूनिवर्सिटी टॉपर करने पर एक गोल्ड मेडल मिला है, एक ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट में पहला स्थान करने पर मिला है और एक डिपार्टमेंट टॉपर होने पर मिला है। इंतजार बहुत दिनों से था, क्योंकि हम लोग को तो आशा भी नहीं था क्योंकि कोरोना कालीन था, लेकिन इस आशा में जो राज्यपाल महोदय ने इस प्रकार का काम किया इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गोल्ड मेडल मेरे मेहनत से तो हुआ ही है, साथ ही साथ हमारे गुरुदेव का, सभी गुरुजनों का बहुत ही आशीर्वाद है, उनका ही आगे भी मेहनत जारी रहेगा। संस्कृत में पुरातन जो विद्या है उसको आज का आधुनिक नवीन विद्या से जोड़ना है और समाज को और देश को आगे लेकर जाना है और आगे जाकर प्रोफेसर बन। नवादा के गोंदापुर विस्फोट मामले का एसपी ने खुलासा किया है। बीते दिनों नगर थाना क्षेत्र के गोंदापुर बड़ी दरगाह ईदगाह के निकट एक घर में विस्फोट होने से बने मकान टूट गए थे। निरीक्षण से स्पष्ट हुआ कि मकान में आग लगने और क्षतिग्रस्त होने का कारण विस्फोटक पदार्थ है। एसपी ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में कांड के अभियुक्त मोहम्मद शमीम आलम और उनकी पत्नी गुलशन खातून द्वारा बताया गया कि पटाखा बनाने के लिए मटेरियल खरीदने और बेचने का काम गुड्डू ही करता था। कांड में 3 अभियुक्त थे, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कल रात को लगभग 12 से 1 बजे के बीच में गोंदापुर एरिया में मुस्लिम महल्ले में एक दुर्घटना घटी थी। डायल 112 को सूचना प्राप्त हुई थी कि घर में आग लगी हुई है। तुरंत अग्निशमन के साथ डायल 112 की टीम पहुंची थी और आग को बुझा दिया गया था। फर्दर जब हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया घटनास्थल का, तो पाया गया कि यह एक विस्फोट की घटना है। इसमें किसी न किसी तरीके का या तो सिलेंडर का विस्फोट हुआ है या फिर किसी भी चीज़ का विस्फोट हुआ है। फिर आगे हम लोगों ने एफएसएल की टीम को बुलाया। एफएसएल की टीम ने बहुत सारे एविडेंस को कलेक्ट किया और उसके बाद उनके द्वारा जो प्राथमिक रिपोर्ट हम लोग को दिया गया, उसमें यह समझ में आया कि लोअर ग्रेड एक्सप्लोसिव्स, उन्होंने बताया कि इनका प्रयोग किया गया है, इनकी बरामदगी की गई है और घटनास्थल से उन लोगों को और भी कुछ ये लोअर ग्रेड एक्सप्लोसिव बनाने के रॉ मटेरियल्स जो है वो बरामद हुए, जैसे कि ये सल्फर, अल्मोनियम, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड जैसी सामग्री उनको घटनास्थल पर बरामद हुई। कल रात को लगभग 12 से 1 बजे के बीच में गोंदापुर एरिया में